क्या क्या सुहास नागरे को मारोगे? विश्राम जी क्या बोल रहा? देखिए सुहास, मैं यहाँ दुबई से लतीफा सुनाने नहीं आया हूँ। रशीद भाई, पूरी मुंबई में आग लग जाएगी। मुंबई की फिक्र नहीं है मुझे। साल में 200 करोड़ का धंधा रोज रोज नहीं मिलता, ये तो करना पड़ेगा। चाहे सरकार को मारना पड़े या उसके बाप को। विश्राम जी, इसको समझाइए। ये दुबई से आया है, इसको बंबई के बारे में कुछ मालूम नहीं है। इसको समझाइए, आप ही बताइए इसको। बता तुम्हारे दिमाग में ताला पड़ा हुआ है क्या? बात तुमको समझ में नहीं आ रही? ठीक है, तुम लोगों को यह बेवकूफी करनी है करो, तुम लोगों को कुएं में कूदना है कूदो, मैं इसमें नहीं, मैं इस मामले में नहीं हूं, मैं चलता हूं। मैं इस बात को बाहर नहीं जाने दे सकता। रशीद भाई, मैं गारंटी देता हूं, मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मैं मेरे बच्चों की कसम खाता हूं। रशीद भाई, आप ठीक बोल रहे थे, मैं तो पागलों जैसी बात कर रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं क्या उसको मारना चाहिए? कोई भी फैसला चुनाव से होना चाहिए, दबाव से नहीं। रशीद भाई, स्वामी जी का मैसेज आया है, वो मिलना चाहते हैं।